If you do something that you really desire and want to do, one of the things that will surely follow is money. Money will always follow. Money is not going to be a problem at the end of it all. And I say it from the point of view of being a lower middle class boy who's had much more share of his financial benefits from the work I do than I ever imagined, dreamed of in the wildest of dreams. दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब आपके हाथ में पैसा होता है तब सिर्फ आप ही भूल सकते हो कि आप कौन हो, पर जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता है तब सारी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हो। पैसा हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखती है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसका हिस्ट्री आपका दिल जरूर बहलाएगी। तो आखिर क्या है ये चीज जिसे गरीब से लेके अमीर तक हर किसी ने इसे पाना चाहा? तो ऐसा क्या है इस कागज के टुकड़ों में जिसके लिए आप 8 से लेके 9 घंटे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो? तो चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे कहा गया है, मनी इज एनी आइटम और मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड बाय पीपल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आसान भाषा में कहें तो पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके बदले आप किसी भी चीज को या किसी गुड्स या किसी सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो। इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहा गया है कि पहले के जमाने में जब पैसा नहीं होता था उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था, लोग अपनी चीजों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे। ये एक सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से हर चीज का कीमत तय की जा सकती है। जब बार्टर सिस्टम का दौर था तब लोग चीजों के बदले किसी और चीज का एक्सचेंज करते थे। दोस्तों, पैसा मानव इतिहास में करीब 5,000 सालों से हमारा हिस्सा रहा है। इससे पहले लोग किसी चीज को खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रथा का इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर एक किसान एक जोड़ी जूते के बदले किसी शू मेकर से गेहूं का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था जब तक कि दोनों पार्टी सहमति ना दिखाए चीजों को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसी तरह मनी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे विकसित होता रहा। लोग जानवरों की खाल, नमक और हथियार को ही अपना करेंसी बना लिया और धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये सिस्टम फैल गया और आज भी दुनिया में कुछ हिस्सों में ये जीवित है। और आज हमारे पास पेपर नोट, प्लास्टिक कार्ड्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म बहुत बार सुना होगा, एक तो है मनी और दूसरा है करेंसी। अक्सर लोग इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम समझते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है? कई ऐसे थ्योरीज है जो बताते हैं कि मनी एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मतलब जिसको छुआ या स्मेल नहीं किया जा सकता, इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आप इसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में जिसको अब हम करेंसी बोलते हैं। लेकिन करेंसी को छुआ और देखा जा सकता है, जैसे कॉइन्स, नोट, प्लास्टिक कार्ड मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप ऐसे समझ लीजिए कि मनी एक आत्मा है और करेंसी है उसका बॉडी। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका में पैसों का हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ था। उस वक्त अमेरिका का जितना भी सारा नेचुरल रिसोर्सेस और मनी सप्लाई था वो सब ब्रिटिश कॉलोनी ही कंट्रोल किया करती थी, और ये बाकी कॉलोनीज के लिए इलीगल था कि वो अपनी कॉइन मिंट करे। यहाँ तक कि बाकी कॉलोनीज वालों को मजबूर किया गया था कि वो सिर्फ इंग्लिश बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही व्यापार करें, और ऐसा करने से बाकी कंट्रीज के साथ व्यापार करने में मुश्किलात पैदा हो रही थी। फिर कॉलोनीज वालों ने एक मस्त रास्ता निकाला कि वो गोला बारूद और तंबाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे व्यापार करने के लिए, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल 15 से लेके 19 शताब्दी तक अमेरिका में 8 टुकड़ों में बटे जाने वाले स्पेनिश कॉइन्स चलती थी। एक स्पेनिश डॉलर का वैल्यू तब 8 रियल था, और ऐसे सिक्के बनाने के लिए इन्हें फिजिकली 8 टुकड़ों या बिट्स में बांटा जाता था, जिसकी वजह से इसे पीसेस ऑफ 8 डॉलर भी कहा जाता है। और ये सिलसिला 1857 तक चली क्योंकि तब तक अमेरिका ने अपनी लीगल करेंसी को चालू कर दिया था और बैंकिंग की प्रथा शुरू हो गई। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला बैंक रोमन एम्पायर ने बनाया था करीब 1800 BC में, लेकिन ये सारी बैंक्स लोगों से पैसा लेने के बाद भाग गया था। उसके बाद लोगों का बैंक्स के ऊपर से भरोसा उठ गया, लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में बैंक्स को एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा गया और धीरे धीरे लोगों ने बैंक्स का कॉन्सेप्ट समझा। लोग पैसा डिपॉजिट करने लगे और ऐसे ही आज ये सारी बैंक्स पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, अब जब हमें पैसों का हिस्ट्री समझ में आ गया है कि ये क्या है, कहां से आया है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आज पैसा US डॉलर से लेके क्रिप्टो करेंसी तक हर चीज का रूप ले चुका है। पहले के मुकाबले आज चीजों को खरीदना और बेचना और भी ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।